हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो लाया हूँ एक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग, तो बिना देरी किए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। ऑल राइट दोस्तों, ये है प्रोटोनिक्स एडेप्टो 30, जो कि 30 वॉट का फास्ट चार्जर है। तो ये दोस्तों मैंने मंगाया है अपने सैमसंग मोबाइल को चार्ज करने के लिए, जो कि ऑब्वियसली 25 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है और ऑन द बॉक्स उसके चार्जर नहीं आता है। आपने देखा होगा मार्केट में अब जैसे जैसे चार्जर गायब होते जा रहे हैं हर मोबाइल फ़ोन के अंदर से, और अगर आप मार्केट से उन कंपनीज के प्रॉपर चार्जर खरीदने जाते हैं तो या तो 150,000 से या उससे अबव कीमत में मिलते हैं। तो ऐसे में ये आफ्टर मार्केट चार्जर प्रोटोनिक्स का बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो चलिए बताते हैं इसके फीचर्स, या फिर इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और करेंगे इसकी टेस्टिंग कि आखिर ये फास्ट चार्जर है या नहीं। ऑलराइट दोस्तों, ये रही इसकी अनबॉक्सिंग, और ये रहा उसका वारंटी कार्ड, इसको हम साइड में फेंक देते हैं, और ये रहा कुछ ऐसा चार्जर। तो दोस्तों, इन द चार्जर आपको कोई डाटा केबल या फिर फास्ट चार्जिंग केबल आपको नहीं मिलेगी, और ऑब्वियसली फास्ट चार्जिंग केबल वगैरह ये मोबाइल में ऑलरेडी प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्तों बात करें इसकी फीचर्स की, तो ये एक 30 वॉट का फास्ट चार्जर है और ये 3 एम्पियर तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, और मैक्सिमम मोबाइल जितने भी मार्केट में मोबाइल आते हैं ये सबको सपोर्ट करता है। और खास एडवांटेज इसका, दो पोर्ट इसमें दिए हुए हैं। तो दोस्तों, एक पोर्ट इसमें दिया हुआ है बिग यूएसबी, जिसे यूएसबी टाइप ए बोलते हैं, ये क्विक चार्ज केबल होती है, और दूसरा टाइप सी, जो मॉडर्न मोबाइल जितने भी मॉडर्न मोबाइल सभी की करंट मोबाइल से सब में आ रही है। तो ये दोनों केबल फास्ट चार्जिंग केबल्स को सपोर्ट करता है, तो आप देख सकते हैं। और इसकी जो प्राइस पॉइंट है, ये मुझे 650 रुपये का पड़ा है, मैंने अमेजोन से मंगाया था। तो इसकी कीमत 650 से 700 के बीच में फ्लक्चुएट होती रहती है। और रही बात इसकी चार्जिंग की, आप इससे अपना आईफोन भी चार्ज कर सकते हैं और लैपटॉप वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं, जो कि टाइप सी सपोर्ट करते हैं। और जितने भी सैमसंग मोबाइल्स या अदर ब्रांड के मोबाइल्स हैं, जैसे शाओमी है और ओप्पो है, सब मोबाइल्स इसको सपोर्ट करते हैं, ऐसा कंपनी का क्लेम है। तो आइए इसके नेक्स्ट फीचर की बात करें। तो इस चार्जर से आप मल्टीपल 2 डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 पोर्ट्स दिए हुए हैं, तो आप इजीली 2 मोबाइल या एक लैपटॉप या एक मोबाइल आराम से इजीली इसको चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसको टेस्ट करेंगे अपने सैमसंग M51 मोबाइल पे, 5 मिनट्स के लिए लगाएंगे और आपको दिखाते हैं ये कितना परसेंट उसे चार्ज कर देता है। तो चलिए इसको करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, हम चार्जिंग टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो ये रही सैमसंग की डाटा केबल, तो इसको हम इंसर्ट करेंगे और यूज करते हैं इसको चार्जिंग टेस्ट करने के लिए। तो ये हमारा है सैमसंग M51 मोबाइल। तो दोस्तों, 5 मिनट का टाइमर लगा के हम इसमें चेक करेंगे कितना ये चार्ज करता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये दोस्तों 37% दिखा रहा है, और दोस्तों आप देख सकते हैं ये फास्ट चार्जिंग का जो ऑप्शन है वो भी दिखा रहा है। तो चलिए देखते हैं 5 मिनट में ये कितना चार्ज कर दे। 5 minutes later 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और मैं इसको हटा देता हूँ चार्जिंग से। तो आप देख सकते हैं टोटल 42% चार्ज हुआ है। हमने 37 पे स्टार्ट किया था और 5 मिनट के बाद ये 42% हो गया है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छी चार्जिंग की, यानी 1 मिनट पर चार्ज इसने किया हुआ है। हालांकि इसकी बैटरी कैपेसिटी भी बहुत हैवी है, 7000 mAh की बैटरी है, तो उस हिसाब से ये एक परफेक्ट ऑप्शन। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो इस प्राइस में इतना अच्छा चार्जर मिलना बहुत ही मुश्किल है मार्केट में, तो इसे मैं परफेक्ट रिकमेंड करूंगा। अगर आपका मोबाइल 25 वॉट 30 वॉट तक की चार्जिंग सपोर्ट करता है तो ये एक मार्केट में बेस्ट ऑप्शन है, और 650-700 में आपको फास्ट चार्जर मिलना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो मैं इसका परचेज लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो दोस्तों, मैं इसको करूंगा 100% आपको रिकमेंड। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड डे।